गुड इवनिंग एवरीवन आज मैं फिर से आपको डेरवेशंस कराने जा रहा हूँ टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स सो so, पिछले एपिसोड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डरवेशन आपको कराए फर्स्ट डेरिवेशन था किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का डेरिवेशन और सेकेंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट सिस्टम उसके बाद जो थर्ड डेरिवेशन था, था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैंने डाईपोल्स के डेरिवेशन शुरू करे हैं बच्चों तो आज भी मैं डाईपोल्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे डेरवेशन आपको कराऊंगा ये सारी डेरिवेशन बोर्ड्स और कॉम्पटिशन दोनों के लिए इम्पॉटेंट हैं और आई होप आप इन्जॉय करोगे इसमें थोड़ी मैथ इस्तेमाल होगी इसलिए मैंने आपको कितनी बार रिक्वेस्ट किया है कि फिज़िक्स को पूरी तरह से समझने के लिए फिजिकल मैथमेटिक्स के जितने भी एपिसोड्स मैंने अपलोड करे हैं सबको आप सीक्वेंस में रिवाइज कर लो अपडेट कर लो तो आपको बेहतर समझ में आएगा जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें दो काम करना होगा एक तो प्लेलिस्ट में जाकर फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट करें सीक्वेंस में पढ़ें और उसमें जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस भी करें और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स के जितने सारे एपिसोड मैंने सीक्वेंस में डाले हैं उसको सीक्वेंस में ए टू जेड अपडेट करें फिर उनको आज का एपिसोड समझ में आएगा आई होप ऐसा आपको करना चाहिए और आप करते भी होगे तो आपको फ़ायदा जरूर होगा देखिए मैं आपको डेरिवेशन बताने जा रहा सो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ द लाक्टी फेल एट अ पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोलट इज कॉल्ड साइड ऑन पोजिशन बच्चों का मीनिंग क्या हुआ पहले मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ इस डायग्राम में डाइपोल शो किया हुआ है मानस क्यू प्लस क्यू एंड लेंथ ऑफ द डाईपोलिस टाइपोलिस और इलेक्ट्रिक डायपोल मोवमेंट वेक्टर पी इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज और दिस इज परपेंडिकुलर बायसेकटर लाइन सो बच्चों पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन दिस परपेंडिकुलर बायसेक्टर इस कॉल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन बच्चों पॉइंट पी की जो पोजीशन होगी उसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन बोलेंगे या फिर इक्वेटोरियल पोजिशन बोलेंगे मिस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का डेरिवेशन देने जा रहा है डायग्राम में दिखाया हूँ फील्ड का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा आई मीन ई वैक्टर इज अपोजिट टू पी वैक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या फार्मूला दिया हुआ है Magnitude of this electric field is one by four pi epsilon naught p over r squared plus l squared power three by two, and this is valid for free space. But for short dipole, if small r is much greater than l, I mean this small r is much greater than half length, then obviously it should be called short dipole. In the condition of short dipole. L square can be ignored as compared to R square, so you must keep it zero. Then you have R cube. I mean, for short dipole, intensity of electric field in broadside-on position becomes 1 by 4 pi epsilon r p p over R cube. But this e formula, tab lagana, jab question mein short dipole diya ho. short dipole diya ho, डायपोल का लेंथ पता हो तो उसको बिग डाइपोल मान लेना और ये फार्मूला यूज करना इन वेक्टर फॉर्म फील्ड वेक्टर इक्वल्स माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन ऑट पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब प्यारे बच्चों जब दो वेक्टर को रिलेट करते हैं और राइट हैंड साइड में वेक्टर का कोपसेंट अगर नेगेटिव स्केलर होता है तो आपको वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा चुका हूँ कि दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं प्यारे बच्चों जैसा मैंने समझाया आपको कि पी वेक्टर राइटवर्ड होगा ई वेक्टर लेफ्ट वर्ड होता है डिराइव करने पर तो ई वेक्टर अपोजिट है इसलिए जब इनको वेक्टर मेथड से रिलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना जरूरी होता है मानस अन स्पोर्ट रिकॉर्ड इज इज एंटी पेल टू पी वैक्टर बच्चों ये तो फार्मूला हो गया आज मैं आपको इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ देखिए प्रूफ कैसे होता है सी द बिलो फिगर सो प्यारे बच्चों ये जो टाइटल है आई मीन ये जो कंटेंट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम टू इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ और राइटर प्रिपेयर होने पर ये बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है और पब्लिश होने के बाद आप इसे परचेज कर सकते हो या इस टाइटल की जो ई बुक होगी अमेजान पे उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अपने टेबल पे रख सकते हो तो देखिए मैं इसका डेरिवेशन देने जा रहा हूँ कैसे होता है देखिए डायग्राम प्यारे बच्चों मुझको पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कहना है और मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ कि अगर यहाँ पे यूनिट पास टू टेस्ट चार्ज प्लस वन रखा जाए तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा अलॉन्ग दिस लाइन डिनोटेड ई प्लस वेक्टर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट्स आएगा ड्यू टू अट्रैक्शन डिनोटेड बाय माइनस वेक्टर। प्यारे बच्चों पॉइंट चार्ज और पी के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। दिस इज आल्सो अंडर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है डिस्टेंस बराबर है तीन दोनों इलाक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा पर डायरेक्शन तो वैसे ही होगा जैसे दिखाया हूं. बच्चों स्केल में बनाने पर इन दोनों का लेंथ बराबर दिखाती अब मेरे को चाहिए रिजल्टेंट फील्ड तो पलेलोग्राम कंप्लीट कर लो वैक्टर एल जब्राम में तुम्हें पढ़ाया गया पलेलोग्राम ला द दिनल पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स आई मीन दिस रिजल्टेंट वैक्टर इक्वल्स ई प्लस वैक्टर E minus प्यार आपको पता है कि इन दोनों का लेंथ बराबर होगा तो जो resultant होगा वो दोनों से equal angle बनाएगा टोटल एंगल इज टू आई मीन दिस इज इक्वल टू टू इंटरनल एंगल्स थीटा प्लस थीटा इसे साफ पता चलता है कि डायग्राम में ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल पहले से थीटा दिखाया हुआ है तो फिर ये जो बेस लाइन होगी और जो रिजल्टेंट फील्ड लाइन होगा ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और नेट इलाक्टिव फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा आन अपोजिट पी बैक्टर बच्चों डायग्राम तो समझा दिया फार्मूले पर आ जाओ दिनिट इलाटिफिल एट पॉइंट पी ई वैक्टर इक्वल्स ई प्लस वैक्टर प्लस ई माइनस वैक्टर एज पर डायग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मॉड्यूलस ऑफ ई प्लस वैक्टर इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ ई माइनस वैक्टर दैट इज वन बाई फोर पाई अपसे नॉट टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर यार पच्चों जो डिस्टेंस है जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा देखो यहाँ पर रूट एलिमिनेट होगा इन दोनों का मोड आ गया देन यूजिंग द पैलेलोग्राम लॉ वी हैव प्यारे बच्चों वेक्टरल अलजेब्रा के चैप्टर में आपने पैलेलोग्राम लॉ पढ़ चुका है तो पैलेलोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ ई प्लस स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ई माइनस स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ ई प्लस वेक्टर मॉड ऑफ ई माइनस वेक्टर इनटू कॉस ऑफ टू थीटा दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स प्यारे बच्चों मैं इसको भी मॉड ऑफ ई प्लस लिख सकता हूं इसको भी मॉड ऑफ ई प्लस लिख सकता हूं रूट में से इसको कॉमन ले सकता हूँ ये दोनों सम हो के डबल हो जाएंगे तो रूट में बचेगा टू प्लस टू कास्ट टू थीटा यहाँ से मैंने टू को ले लिया कॉमन आप कॉस्ट टू थीटा के जो फार्मूले होते हैं उसमें से एक फार्मूला इस्तेमाल करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया कास्ट टू थीटा का ये वाला फार्मूला यूज कर लिया इसका एडवांटेज क्या होगा माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा फिर ये होल स्क्वायर होगा फिर ये रूट के बाहर ऐसे आएगा फिर इसको अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो कॉस्टिटा की वैल्यू ज्योमेट्री से उठा लो प्यारे बच्चों में कॉस्टिटा की वैल्यू दिखाता हूँ इस ट्रांगल पे फोकस करो

फिर इनको मल्टीप्लाई किया कम्स आउट टू क्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बिकम्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टू क्यू इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ फिलैक्टिक डायपोल मोमेंट वेक्टर पी सो बच्चों मैंने मैग्नीट्यूड तो डिराइव कर दिया बट इन वेक्टर वैक्टर नोटेश वेक्टर इक्वल्स वी आर यूजिंग यार अगेन नेगेटिव, एंड दिस क्वांटिटी रिपीटेड, क्वानिटी रिपीटेडर पी बच्चों मैं मानस आइन क्यों लगाया मानसाइन लगने से जो कोपस होगा वो नेगेटिव स्केलर होगा तास पर रूल्स ऑफ वेक्टर अल्जेब्रा वैक्टर विल बी एंटी पैल टू पी वैक्टर आपने डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया है कि दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, इसलिए यहां पर मानस साइन लगेगा तो मस से ई वेक्टर इज एंटी पैल टू पी वेक्टर. डन. बट इन केस ऑफ शॉर्ट आई एल इज मच लेस देन आर अगेन बच्चों यहाँ अप्रॉक्सीमेशन यूज करोगी एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर को इग्नोर करोगी आमिन जीरो मान लो गे यहाँ पे आर क्यूब बचेगा इसलिए आपने यहाँ देखा नीचे मैंने आर क्यूब लिख डाला है बट जब इसको वैक्टर में प्रेजेंट करना होगा तो फिर से माना साइन लगाना ही होगा क्योंकि तो दोनों वैक्टर अपोजिट होते हैं। इट। नाउ टू थर्ड पार्ट दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ द एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अट आई पोल ऑब्लिक पोजिशन बच्चों ये डेरिवेशन सिर्फ सौ डाईपोल के लिए मीनिंग क्या है आर इज मच ग्रेटर दैन इन ये जो डेरिवेशन है ऑब्लिक पोजिशन बिग डाइपोल का डेरिवेशन बड़ा लेंदी होता है फॉमला इलेक्ट्रोफिल का बहुत लेंदी होता है तो वो ना एग्जाम में पोसते हैं ना कंपटिशन में पोसते हैं इसलिए उसको कोई पढ़ाता नहीं हाउएवर शॉर्ट डाइपोल का डेरिवेशन थोड़ा छोटा होगा करने लायक होगा समझने लायक होगा फार्मूला भी छोटा है ये बोर्ड और कंपटिशन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ पिग डाइपोल का केस इग्नोर कर चुका हूँ तो आपके फार्मूला में पहले भी समझा चुका हूँ एक बार फिर से समझ लो बच्चों देखने में ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है वो मजबूरी होता है डायग्राम के डिटेलिंग दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं तब ये सारी चीज़ें क्लियरली शो होंगी इसको बहुत छोटा नन्हा सा बना दिया जाए ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये इतना मिनिएचर होगा ये विजिबल नहीं होगा इसलिए मजबूरी की वजह से कोई भी टीचर पढ़ाता है या फिजिक्स की बुक जब प्रिंट करी जाती है इसको बड़ा सा डाइपोल बना के समझाते हैं मानेंगे छोटा लेकिन दिखाते हैं बड़ा ये हो गया मानस क्यू टू प्लस क्यू पी डॉक्टर राइटवर्ड, सेंटर ऑफ द डाइपोल हाफ लेंथ लेंथेल हाफ लेंथ लेथेल अब यहाँ पॉइंट पी की ऑब्लिक पोजीशन है पब्लिक का मतलब ये हुआ बच्चों कि यह जो पोजिशन वैक्टर आर होगा वो इस डायपोल के एक्सिस से जो थीटा बनाएगा ना तो ये जीरो होगा और ना ही ये नाइन्टी होगा अगर ये जीरो हो गया पॉइंट पी यहाँ आएगा उसको आप कहते हैं डाउन पोजिशन अगर ये नाइन्टी हो गया तो पॉइंट पी पर पर्टिकुलर सेक्टर पी यहाँ आएगा आप उसको कहते हो आप ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन और इन दोनों को इग्नोर करके कोई और थीटा ले लिया जाए इधर लेस देन आइंटी और मोर देन आइंटी देन दिस इज कॉल ऑब्लीग पोजिशन एंड दिस इज पोजिशन वैक्टर फॉर द सोन पॉइंट पी बच्चों इस पोजिशन वैक्टर के डायरेक्शन को मैंने प्रोड्यूस कर दिया ड्राइव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड आएगा और ये रेडियल लाइन के साथ फाइव एंगल बनाएगा इन दोनों के फॉर्मूले मैंने ऊपर समझाए हैं सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलाक्टिकल वन बाई फोर पाई अपसे वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज फॉर द फ्री स्पेस एंड टेन फाइव इक्वल्स टेन थीटा बाई टू बच्चों में इसको प्रूफ करके दिखाता हूं एंड थीटा इज वॉट थीटा इज द एंगल बिटवीन पी बैक्टर एंड ऑर बैक्टर देखो कैसे डिराइव होता है सी द बिलो फिगर वी ऑलरेडी नो दैट एट पॉइंट पी हुआनेट्स आर आर कॉमर थीटा द नेट पोटेंशियल वी ड्यू टू दिवन शॉट आईपोल वी इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई अप सेलेन ऑट पी काटा ओवर आर स्क्वा बच्चों ऊपर नीचे अगर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ आएगा पी आर कॉस थीटा उसको पी डॉट आर लिख सकते हो नीचे आर क्यूब लिख सकते हो तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला डेरिवेशन आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर थर्टी एट तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा किसका इलाटी फिल का तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल का फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लेना पोटेंशियल को डिराइव करके मत दिखाना बड़ा लेंदी होता है एक ही डेरिवेशन में दो डेरिवेशन मत करना स्मार्ट बनो कैसे डेरिवेशन बोर्ड में दिखाते हैं तरीका सीखो पोटेंशियल <coughs> का ये फॉर्मूला लर्न कर लो रट लो और डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट लिखो वी ऑलरेडी नो दैट एट पॉइंट पी हो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर कमा थीटा द नेट पोटेंशल वी डू द गि दिस तुम लिखते हो कि ये तुम पहले से जानते हो हम पहले से जानते हैं ये बात अलग है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है इंटरवेशन में माना जाएगा कि आप पहले से जानते हो इसको डिराइव करके मत दिखाओ नहीं तो बड़ा लेंदी हो जाएगा तो इसको रिपीट कर डालो इसमें आर वेरेबल है थीटा वेरेबल है डाइपोल मोमेंट को कांस्टेंट माना गया है ये पूरी क्वानिटी कांस्टेंट है और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन आपको अलग से पेज नंबर थर्टी एट पर मिलेगा इसको लिख डाला आगे बढ़ो डायग्राम समझो अच्छा मैंने कॉन्मेडिक्स वाले चैप्टर में पोलर क्वानिट सिस्टम पढ़ाया हुआ था वहाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि पोलर क्वानिट का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को फेज के बहुत सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल करते हैं और उससे बड़े बड़े डेरिवेशन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं तो मैं तो सिखा चुका हूँ जो नहीं जानते हैं बच्चे कॉन्वर्ट्स के सारे एपिसोड्स का रिविजन करें वहाँ पे पोलर क्वानिट का थ्योरी मिलेगा बच्चों ये डाइपोल है छोटा सा डाइपोल ये डायपोल का सेंटर है एक्सिस को प्रोड्यूस कर दिया यहाँ ए लिख डाला <coughs> इसको रेफरेंस लाइन ओ ए बोलते हैं टू डायमेंशनल प्लेन में कोई पॉइंट पी लेते हैं आप पोजिशन लेते हैं सेंटर से मिलाते हैं एरो मार्क करते हैं इसको कहते हैं पॉइंट पी का पोजिशन वैक्टर एंड रेडियस वैक्टर नाउ सपोज दिस रेडियस वैक्टर इज मेकिंग थीटा एंटी क्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रिफ़रेंस लाइन ओ ए बच्चों सार का स्मॉल आर होगा थीटा के वैल्यू रेडियन में थीटा होगा मैथ के बच्चे जानते हैं कि इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा तो थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया इसको कहते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट। रेडियल कोऑर्डिनेट इसका मैग्नीट्यूड होता है <coughs> और इसको रेडियन में लिखते हैं ंगर कोऑर्डिनेट होता है okay. बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट में दो यूनिट वेक्टर होता है एक होता है यार कैप, डायरेक्शन आउटवर्ड्स और 90 डिग्री बनाता हुआ एंटी क्लॉक सेंस में एक होता है थीटा कैप ये दोनों हमेशा परपनिकुलर डिफाइंड है मगर इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लाक वाइज होता है सो दीज आर टू यूनिट वैक्टर्स मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव होगा और ये फाइव की वैल्यू कितनी आएगी ये पोलर पॉइंट हुआ मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि इलाक्ट्रिक फील्ड ये रिजल्टेंट है इसके दो कंपोनेंट आते हैं बच्चों यार वेक्टर को रेडियल कंपोनेंट कहते हैं ई थीटा वेक्टर को एंगुलर कंपोनेंट कहते हैं डायग्राम में ये दोनों पर्पेंडिकुलर होते हैं और पैलेलोग्राम लास से ये रिजल्टेंट होता है तब मैं पोलर क्वानिट की थ्योरी पढ़ा चुका हूँ जिसको कि मैं डायरेक्ट यूज़ करने जा रहा हूँ तो शुरुआत बच्चों कैसे करोगे बोर्ड में शुरुआत करोगे कि वी ऑलरेडी नो दिस इसमें पी को कॉन्सेंट मानोगे आर और थीटा को वेरिएबल मानोगे वेरेबुल क्यों मानते प्यारे बच्चो ये पॉइंट पी यहाँ हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है तो जब पॉइंट पी को इस पे ट्रेवल करा दूंगा आर भी चेंज होगा थीटा भी चेंज होगा लेकिन ये गिवन डाइपोल है फिक्स है बिल्कुल इसका पी कांस्टेंट माना जाएगा और इन दोनों को वरेबुल कहा जाएगा तो जब मैं आपको इलाक्ट्रोसिडी पढ़ाना शुरू किया था तो इस तरह से मैं डेफिनेशन पढ़ाया था आपको कि इस एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को डेल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं इसको लिखते हैं मानस डेल वी।, वी। को पोलर क्वानिट में ऐसे लिखते हैं ये सब सिखा चुका हूँ प्यारे बच्चों जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैप्टर के सारे एपिसोड शुरू से देखो और उससे भी पहले फिजिकल मैथमेटिक्स अपडेट करो तब ये बात समझ में आएगी डेल वी को लिखते हैं डेल वी बाय डेल आर इन यार कैप प्लस वन बाय आर इन टू बाय डेल थीटा इन ई थीटा कैप तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बच्चों ये डेल वी को ऐसे लिखते हैं ये जो स्मॉल डेल है और ये कैपिटल डेल है बच्चों ये डी नहीं है डेल है पार्सल डिफरेंशियल इसको बोलते हैं और इसको मैं फिजिकल मैथमेटिक्स वाले एपिसोड में पढ़ा चुका हूँ पार्सल डिफरेंशिएशन ये भी पार्सल डिफरेंशिएशन है टी हो गया डेल वी का फार्मूला सही क्वेश्चन वन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्वी बाय डेलार डेलवी बाय डेलार कैसे निकालोगे डेल बाय डेलार को बाहर लिखो पोटेंशियल वी की वैल्यू ब्रैकेट में ऐसे लिखो प्यारे बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि जब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो थीटा को कांस्टेंट मान लोगे। दो ही वेरिएबल हैं पे आमीन ये पी कॉस सीटा कांस्टेंट हो गया और ये तो पहले से कांस्टेंट है तो इस पूरे कांस्टेंट को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे देखो मैंने निकाल लिया अब डेल बाय डेल आर के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा ऊपर जा के बचेगा आर पावर माइनस टू तो जैसे टोटल डिफरेंशियल के फार्मूले पढ़े हो वही फार्मूला लगा दो और इसको सॉल्व कर लो बच्चों टोटल डिफरेंशियल में जैसे डी लगा के पढ़ते हो तो अगर यहाँ पैक्स होता यहाँ पैक्स होता वही वाला फार्मूला लगाओगे तो आता इन इन माइनस वन यहाँ पे आएगा माइनस टू इन टू आर पावर माइनस थ्री आर पावर माइनस थ्री को नीचे ले आओ, माइनस टू को बगल में मल्टीप्लाई करो बाकी चीजों को रिपीट करो टू गेट टू डेल्वी बाय डेल आर से टू क्वेश्चन नंबर टू अब बच्चों आप निकालोगे डेल्वी बाय डेल थीटा तो डेल्वी बाय डेल थीटा में डेल डेल थीटा को बाहर लिखो ब्रैकेट में पोटेंशियल की वैल्यू लिखो जब थीटा में डिफ्रेंशिएट करते हो तार को कांस्टेंट मानते हो पी पहले से कांस्टेंट है ये भी पहले से कांस्टेंट है जिसको कांस्टेंट माने हो उसको बाहर निकालो अंदर बचेगा कॉस थीटा तो कॉस थीटा का थीटा में डिफरेंशियल फार्मूले से लिख लो जैसे टोटल डिफरेंशियल में पढ़ते हो कॉस एक्स का माना साइन एक्स वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर लो क्या आएगा माना साइन थीटा बच्चों यहाँ पे पुट करने के लिए वन बाय आर से मल्टीप्लाई भी करना होगा तो वन बाय आर से मल्टीप्लाई करो ऐसे करो तो नीचे जो आर स्क्वायर यहाँ पे आर क्यूब आएगा ऊपर आएगा मानस पी थीटा अपॉन फोर पाइप से इक्वेशन थ्री देन फ्रॉम इक्वेशन वन टू तो एंड थ्री बच्चों टू और थ्री से वैल्यूज उठाकर वन में ले जाकर पोट करो दिखाता हूं आमीन इक्वेशन वन ये है इसकी वैल्यू टू तो से उठा लो इसकी वैल्यू थ्री से उठा लो कहते यूनिट फैक्टर्स को डिस्टर्ब नहीं करते वो जैसे हैं वैसे ही छोड़ देते हैं केवल इन दोनों के वैल्यू पुट करने जा रहा हूं देखो ये टू से निकालूंगा थ्री से निकालूंगा लाख यहां पे पुट कर दिया ये हो गया डेलवरी बाय डेल आर और ये हो गया वन बाई आर इन टू डेल बाई डेल वी बाई डेल थीटा यहां से बच्चों इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा कॉमन ले लो जब कॉमन निकालोगे तो ये माइनस और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा फिर कॉमन क्या आएगा पी एफ ऑन फोर पैप से नॉट और क्यूब आएगा यहाँ बचेगा टू कॉस थीटा इंटू ईर कैप यहाँ मिलेगा साइन थीटा इंटू ही थीटा कैप बच्चों अगर इस कॉमन क्वान्टिटी को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वेक्टर हुआ इसको कैपिटल आर वेक्टर लिखो और इस कॉमन को सेकंड से, से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से, से मल्टीप्लाई करने पर एक और वेक्टर आएगा वो इसको ये थीटा वेक्टर लिख दो अब इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करो कंपेयर करने पर यार वेक्टर की वैल्यू इतनी आएगी आप देखकर समझ सकते हो कि ये पूरा पॉजिटिव स्केलर है तो वेक्टर की थ्योरी कह रही है कि दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए लिख डाला फिर कंपेयर किया ये थीटा वेक्टर की वैल्यू लिखा प्यारे बच्चों ये पूरा कोपसिन पॉजिटिव स्केलर है तो ये दोनों वेक्टर पैलल होने चाहिए दिखा दिया इसी बात को डायग्राम में समझाया कि यार वेक्टर यार कैप के पैलल होता है और ये थीटा ये थीटा कैप के पैलल होता है देन यूजिंग पैलेलोग्राम लॉ वी हैव देखो वेक्टर कैप के हैल थीटा वेक्टर ई थीटा कैप के पैल और इन दोनों का रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इट तो दोनों कंपोनेंट को लेकर पैलेलोग्राम कंप्लीट करो ज्योमेट्री बता रही है कि एंगल 90 होगा पेले लो ग्रामला में तीसरा टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज थीटा इज नाइंटी सो वैक्टर ई का मॉड कैसे निकालोगे बच्चों पहले लो ग्रामला इस्तेमाल करो मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ मॉड ई आर स्क्वा प्लस मॉड ई थीटा स्क्वायर ऊपर इन दोनों का मैग्नीच्यूड मैं, मैं निकलवा चुका हूँ उनके मैग्नीच्यूट को अंदर पुट करो कुछ कॉमन आएगा कॉमन निकाल लो तो बच्चों रूट में बचेगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ मिलेगा सन स्क्वायर थीटा इसमें से वन कास स्क्वायर थीटा को इसके साथ सम कर दो दैट विल गिव यू वन फिर यहाँ बचेगा थ्री कॉस स्क्वार थीटा रिपीट कर डालो ये कॉमन रहेगा तो रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने डिराइव कर दिया और प्यारे बच्चों आपने रियलाइज किया होगा कि ये पोलर क्वानिट की थ्योरी से डिराइव करना बहुत आसान है नहीं तो जॉमेटिकल मेथड से डिराइव करोगे बड़ा लेंदी होगा बहुत इरिटेटिंग होगा कुछ किताबों में जॉमेट इस्तेमाल किया है आप पढ़ लेना अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत इरिटेटिंग होता है आपको बहुत बुरा लगेगा गुस्सा आएगा यहाँ थोड़ी सी मैथ सीख लेनी है कोई जो इस्तेमाल नहीं करना है और ये रिजल्टेंट इलाके फिलहाल आसानी से डिराइव हो जाता है एज प्रूफ उसके बाद प्यारे बच्चों टेन फाइव की वैल्यू राइट एंगल ट्रा से निकालू ये जो रिजल्टिंग वैक्टर है ये ई आर वैक्टर के साथ फाइवन जॉमट्री में यह होगा तो टेन फाइव की वैल्यू बच्चों क्या होती है हाइट अपॉन बेस हाइट को आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ ई थीटा बेस को लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ ई आर तो प्यारे बच्चों टेन फाइव की वैल्यू यहाँ से समझा दिया वही लिख रहा हूँ यहां पर थीटा अपान मॉड ऑफर ऊपर से देख लेना मॉड ऑफ ई थीटा इतना आता है मॉड ऑफ ई आर इतना आता है ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा और इसकी वैल्यू आती है वन बाई टू टेन थीटर यारे बच्चों जब आप टेन इनवर्स लेते हो तो फाइव की वैल्यू इतनी आ जाती है टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटर तो आपने देखा मैंने टेन फाइव का फॉर्मूला कितनी आसानी से निकाला तो थोड़ा सा मैथ सीख लेते हो तो आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है तो आपकी टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन जॉमेटिकल मेथड से दिया बहुत लेंदी है आप खुद से पढ़ के आज मार लेना तो बच्चों डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की तीन कंडीशन मैंने डिराइव कर दी अब होगा पोटेंशियल ड्यूटी ऑन तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट so, सेडिंग इज पोटेंशियल इलाक्टोस्टडिकोटेंशियल पॉइंट पी आमिस ऑफ अट इज इंड ऑन पोजीशन तो बच्चों ये फार्मूला मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ और सॉपोल की कंडीशन में इसको जीरो लेते हैं इतना फार्मूला आता है डाइपोल मोमेंट कोड टू की लिखते हैं डायग्राम देख लो फिर डेरवेशन देख तो ये हो गया आपका डायग्राम, ये हो गया बिग डायपोल टोटल इन टोवेल सेंटर ओ डायपोल ओम पी नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेल पोजिशन डिस्टेंस बिटवीन वन पेज और यहाँ पैरों मार्क करो इसको वैक्टर मेथड से पोजिशन वैक्टर बोलोगी इसका डायरेक्शन हुआ राइट वर्ड यहाँ पोटेंशियल डिराइव करना है तो प्यारे बच्चों आप जानते हो पोटेंशियल स्केलर होता है डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होगी एक पोटेंशियल प्लस क्यू का होगा उसको वी प्लस सिंबल दे दो और यहाँ एक पोटेंशियल माइनस क्यू का होगा उसको वी माइनस सिंबल दे दो दोनों को फार्मूले से लिख डालो मैंने याद होगा आपको मैंने एडिटिव रूल पढ़ाया था एडिटिव रूल में पोडेंसल का सम लेते हैं सम एडिटिव रूल जो होता है स्केलर्स के लिए होता है तो वी प्लस की वैल्यू फॉर्मूले से निकालो बच्चों डायग्राम बता रहे कि प्लस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस आर माइनस ए होगा तो पॉइंट चार्ज के फार्मूले से पोटेंशियल इतना आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस क्यू अपन आर प्लस एल आएगा बच्चों माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस देखो इट इट्स बी आर प्लस एल लिख डाला उसको इसमें से क्यू को ले लिया कॉमन कॉमन लिया ब्रैकेट में आया वन ओवर आर माइनस एल माइनस वन अपॉन आर प्लस एल इसको वन में मल्टीप्लाई करो इसको वन में मल्टीप्लाई करो सब करो ट्वेल्व आएगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो एलसीएम इतना आएगा Q को ट्वेल्व के साथ अटैच करो Q इंटू ट्वेल्व को डाइपोल मोमेंट P बोलते हो लिख डालो तो प्यारे बच्चों ये पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव हो गया अब शार्ट डायपोल की थ्योरी लगा दो इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल डाइपोल बहुत छोटा होगा इसको जीरो मान सकते हो यहाँ खाली यार स्क्वायर बचेगा देन वे इक्वल्स वन बाई फोर पाई एप्सल नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर सो दिस इज वैलिड फॉर शॉर्ट डायपोलेंस पोल डन नाउ कम टू सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल, दैट इज ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन प्यारे बच्चों डायग्राम देखो इस डायपोल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट की पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन या या ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन बोली जाएगी जोमेट्रिक मुताबिक इसको माइनस क्यू से मिला दो इसको प्लस क्यू से मिला दो तब आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा ये दोनों थीटा होगा और ये एल इक्वल होगा ऐसी सिचुएशन में पी बी की वैल्यू और ए पी की वैल्यू बराबर आएगी नेट पोटेंशियल डिराइव करने पर कितना आएगा बच्चों जीरो हमें करके दिखा रहा हूँ कि जीरो क्यों आएगा देखो सी फिगर, एपीक्वल्स बीपीवल्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्यार बच्चों पाइथागोरस हम लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो। द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी वीवल्स वी प्लस प्लस वी माइनस इसका पोटेंशियल वी प्लस इसका पोटेंशियल वी माइनस दोनों का जो राइट सर डेट पोटेंशियल आएगा कैसे निकालते हो वन बाई फोर पैप सॉट स्टेक इन कॉमन वी प्लस का इतना फार्मूला आएगा ये कॉमन हो गया ये प्लस क्यों डिस्टेंस हो गया और ये वी माइनस का फार्मूला आएगा माइनस क्यू विद प्रॉपर साइन और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इट तो ये हो गया वी माइनस ये हो गया वी प्लस ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इसका जब रैक्सम जीरो आएगा एस प्रूफ द पर्पनिकुलर बासेक्टर लाइन ओपीज लाइन बच्चों इस लाइन पे पॉइंट पी आप कहीं भी ले लो पोटेंशियल जीरो ही आएगा इसलिए इस, इस लाइन को कहते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन और एक परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन करो एक ऐसा प्लेन जो स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है और उसी प्लेन में ओपी सिचुएटेड है तो प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आएगा इसको हम लोग कहेंगे प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इट्स परुलर बायसेक्टर प्लेन हर पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल होगा इसके बाद थर्ड पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल ऑब्लिक पोजीशन दैट इज आर मच ग्रेटर देन बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने बताया काब्लिक पोजीशन में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट डायपोल के लिए पूछे जाते हैं क्योंकि बिग डायपोल का डेरिवेशन बड़ा लेंदी होता है इसलिए बोर्ड में भी उसको अवॉइड किया जाता है कंपटीशन में भी उसको छोड़ देती है तो शॉर्ट आईपोल के लिए देखो कैसे डिराइव होगा थोड़ी देर पहले मैंने पेज नंबर थर्टी फोर पे फॉर्मूला बताया था और आपको सजेस्ट किया था कि ये डेरिवेशन पेज नंबर थर्टी एट पे मिलेगा तो बच्चों अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि ये है ऑब्लिक पोजीशन और यह शॉर्ट डाइपोल बच्चों में फिर से कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट डाइपोल के बावजूद भी इसको बिग डाइपोल दिखाया है क्योंकि डायग्राम अगर बहुत कॉम्पैक्ट बनाऊँगा तो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं होगा तो बुक्स में भी इसको बड़ा सा दिखाते हैं मगर कहते छोटा है तो आप इमेजिन करो कि बहुत छोटा है और ये वेरी लार्ज है आर इज़ मच ग्रेटर दैन एल ये कंडीशन है याद रखना इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल डिराइव करने पर इतना आता है और वो मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ मैंने बोला वो थोड़ी देर पहले कोपा नीचे स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पी आर कॉस् थीटा होगा पी आर थीटा को पी डॉट आर लिख सकती हो नीचे आर क्यूब लिख सकती हो डेरिवेशन देखो बच्चों सी द बिलो डायग्राम बच्चों पॉइंट पी का पुलर कॉमा थीटा समझा चुका हो इसको रियल क्वानिट बोलते हैं इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं और ये एंगुलर कोऑर्डिनेट होता है तो डेरिवेशन में क्या होगा बच्चों पॉइंट ओ से इस पे पपड़ी डाला ओ सी टे नाइन्टी हुआ तो बच्चों जरा सोचो अगर ये वेरी लार्ज होगा और ये वेरी वेरी इसमोल होगा तो इमेजिन करो कि ये एंगल नगलेजबल होगा कि नहीं अब डैग्राम में दिखाना पॉसिबल नहीं है तुमको सिर्फ इमेजिन करना होगा ये एंगल वेरी वेरी इसमोल होगा प्यारे बच्चों जब ये एंगल वेरी वेरी इस्माल होगा तो ये तीनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी सिर्फ इमेजिन करो ये तीनों लाइन आलमोस्ट पैरेलल होंगी आई मीन ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होगी आलमोस्ट पैरेलल तो बच्चों जब ये दोनों लाइन आलमोस्ट पैरेलल होगी जब इस पे परपेंडिकुलर डाले हो और ये भी लगभग पैरेलल ही है तो ये भी लगभग नाइन्टी आना चाहिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझो दिखता नहीं है मगर तुम इमेजिन करो अगर ये दोनों पैल हुए तो किसी एक पे परपेंडिकुलर डालोगे तो दूसरे पे भी वो पर्पनिकुलर होनी चाहिए तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन में मानते हैं कि ये भी आंगल लगभग नाइन्टी है ये भी लगभग नाइन्टी है और ये भी नाइन्टी है तो ये जो सी पी ओ ट्रांगल हुआ बच्चों सी पी या आइसोसेलिज हुआ और जब यह आइसोसेलिज सेलेस होगा तो सी पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ओ पी के बराबर होगा प्यारे बच्चों यहीं से इसकी शुरुआत होती है और ये डेरिवेशन कुछ बच्चों को महीनों परेशान करता है इस अप्रोक्सीमेसन को कैच ही नहीं कर पाते क्योंकि तो वो डाइग्राम ये नाइनटी दिखता ही नहीं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मान लो कि ये तीनों लाइन बहुत लंबी है ये बहुत लंबी है ये बहुत छोटा है तो तुमको ये एंगल नेगलेसबल दिखाई देना शुरू होगा तब तुम मान सकते हो कि ये तीनों आलमोस्ट पैरेलल हैं तब तुम मान सकते हो कि जब ये 90 होगा ये भी लगभग 90 होगा फिर ये ट्रायंगल लाजो सेलीज होगा तो सी पी की वैल्यू ओ पी के बराबर होगा टेन बट डायग्राम में ओ पी का वैल्यू कितना है ओपी का वैल्यू स्मॉल आ रहा होगा गॉट इट इम्प्लाइज ए पी इक्वल्स ए सी प्लस ई पी बच्चो इसको ब्रेक कर डालो दो पार्ट में ए पी को आप कैसे लिख सकते हो ए सी प्लस सी पी गॉड इट पच एसी देखो ये नाइन्टी है ये थीटा है ये हाइपोटेन्यूस है इसका लेंथ इक्वल टू एल है ए सी की वैल्यू एल थीटा आएगी प्यारे बच्चों, ट्रेग्नोमीटर इस्तेमाल करोगे ते सी की वैल्यू एल थीटा आएगी और सी पी की वैल्यू स्मॉल आर प्रूफ कर चुके हो तेसी को लिख डालोगे एल थीटा और सी पी को इस्मॉल आर दिखा चुके हो Now, L cos theta plus R is what? A, यही दो लाइन समझने में बहुत बच्चों को बहुत महीने लग जाते हैं इसी को तुम कैच कर लो तो डेरिवेशन तो चार लाइन में हो जाएगा आप देखो दूसरा क्या करने जा रहा हूं बी से मैंने एक परपेंडिकुलर मिडल लाइन पे डाला नाउ सपोज दिस पर

इस अप्रोक्सीमेटली पैलल टू बी पी लाइन बच्चों जब दोनों को पैल तुम मान लोगे तो अगर एक पे परपनिकुलर डाले हो तो दूसरी पे भी पर्पनिकुलर मानी जाएगी आई मीन ये एंगल भी अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी माना जाएगा और अगर ये अप्रोक्सीटली नाइनटी माना जाएगा तो डी पी बी ट्रांगल आइसो सेलीस होगा जब यह आलीस माना जाएगा इसकी जो साइड्स होंगी आई मीन डी पी दैट शुड बी इक्वल टू बी पी एज इट डी पी लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी पी लेंथ वही समझाया हूँ डी पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी पी अब प्यारे बच्चों मैं यहां पे डीपी को अदरवाइज कैसे लिखूंगा डीपी कैन बी रिटेन ओ पी माइनस ओ डी डी पी इक्वल्स ओपी माइनस ओ डी दिस इज फाइनली इक्वल टू बी पी अमेज इज ओ पी स्मॉल हमसे L cos theta फिर से देखो ओडी देखो ये 90 हुआ ये थीठा हुआ ये हाइपोटेन्यूस हुआ स्काल स्मॉल एल है तो ट्रिडोमेट्री यूज करो ओडी विल कम आउट एल कॉसिटा वॉडे सो यू पुट हीस्थीटा सो डी पीवल्स आर माइनस एलकोस्थीटा तो प्यारे बच्चों ने बी पी निकाल लिया ध्यान से देखो और सामिल्टेनियसली मैंने ए पी भी निकाल लिया अब पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे पोटेंशियल डू टू प्लस क्यू डेट इज वन बाई फोर पाई अप सेवन नॉट प्लस क्यू अपॉन बीपी इसका कैसे लिखोगे वन बाई फोर पाई अप सेलेन ऑट माइनस क्यू अपॉन ए पी माइनस क्यू अपॉन ए पी बच्चों ये जो मैं बोल के सुनाया हूं अब उसको लिख कर दिखाता हूं देखो सो एट पॉइंट टी द नेट पोटेंशियल वीवल्स वी प्लस प्लस वी माइनस सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वी प्लस तो थोड़ी देर पहले मैंने ऑप को डेट किया है दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वी माइनस तो ये रूल है ये स्केलर है डायरेक्शन तो होगा नहीं तो ये केवल प्लस और माइनस के साथ एल जब हम लेते हैं

आएगा ट्वेल्व कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई करो एल सी एम आएगा बी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्यू को ट्वेल्व के साथ ग्रुप कर दो थीटा रिपीट करो प्यारे बच्चों डेरिवेशन शॉर्ट आईपोल का है तुम पहले से माने हो क्या इज वेरी मच ग्रेटर दैन एल अच्छा कॉस थीटा तो वन से भी छोटा होगा तेल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तेल स्क्वायर से भी छोटा हो गया अब ये एल स्क्वायर से भी छोटा हो गया ये तो नेग्लेजल होगा ही होगा एज कंपेयर टू दिस इसकी तुलना में इसको जीरो मान लो, इसको रिपीट कर डालो, इसको पी लिख डालू शुड बी पी कॉस थीटा so finally in oblique position potential comes out 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta upon r square where p is a constant and r and theta are variables vector notation में ऐसे लिखोगे अभी तीन बार समझाया हूँ को पर निचार से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ आएगा p r cos theta सो पीर कॉसिटा कैन बी एक्सप्रेस इन दिस वे पी डॉट आर और डिनमिनेटर में और क्यूब आ जाएगा इन दिस वे सो तो बच्चों पोटेंशल का डेरिवेशन दे दिया और इलाक्ट्री फिल्ड के डेरिवेशन में इसको डायरेक्ट यूज़ करोगे अगर इतना पोटेंशियल का डेरिवेशन दिखाओगे तो मास तो आपको थ्री मास ही मिलने हैं नंबर तो ज़्यादा मिलेगा नहीं एक डेरिवेशन में दो डेरिवेशन मत दिखाओ फिजिक्स का रूल है बोर्ड एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन पूछे जाए जिसमें एक डेरिवेशन में दो तीन डेरिवेशन इन्वॉल्व हैं तो सिर्फ लास्ट वाला डेरिवेशन ही दिखाया जाता है अब पिछले वाले डरवेशन को डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसमें कमेंट लिख देते भी ऑलरेडी नो भले से जानते नहीं हो नहीं झूठ बोलते हैं सारी फॉर्मूले डिराइव कर कर करके नहीं दिखाती क्योंकि नंबर तो तीन ही नंबर मिलना है बच्चों देखो मैंने पोटेंशियल डिराइव कर दिया हेंस सो प्यारे बच्चों मैंने आज आपको जितना मैंने प्लान बनाया था डिराइव करने का उतना डेरिवेशन आज सिखाया और ये सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माना कि कंपटिशन्स में डेरिवेशन नहीं आते लेकिन जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन डेरिवेशनल होते हैं कहने को ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन जिस बच्चे को डेरिवेशन पे कमांड होगा वही कर पाएगा तो जो बड़ी सोच रखते हैं जे एडवांस के बारे में सोचते हैं एम्स पी के बारे में सोचते हैं उनको फिजिक्स में हर एक डेरिवेशन पे कमांड होना चाहिए तो बेटर कॉन्फिडेंस आएगा वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जो डेरिवेशन नहीं जानते होंगे वो फार्मूला रटेंगे फार्मूले रट के अच्छे स्कोर लाने बहुत मुश्किल है इसलिए मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भी अपना काम करो। अच्छा कुछ बताना है आपको मेरी वीडियो के बारे में मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे वीडियो को पहले दिन लाइक करते हैं और एक दो दिन के बाद वो फिर डिसलाइक कर देते हैं आई मीन अपनी लाइक हटा लेते हैं उससे मुझे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने बहुत नेम एंड फेम कमाए हैं मैंने तीस साल फेज़ पढ़ाए हैं बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं आप मेरी वेबसाइट और मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों में आपके लाइक का मोहताज नहीं हूँ ये तो मैं वर्क यूँ ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ आपसे फीस भी नहीं ले रहा हूँ कुछ बच्चे जो बहुत लाचार होते हैं जिनके पास साठ सत्तर हज़ार रुपये नहीं हैं अनकेडमी के फीस बाइजूज के फेस वेदांतों की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं ये काम मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि वो अपनी मेहनत से कंसनट्रेट होकर इतना ज़रूर सीख लें कि अपनी लाइफ में वो कामयाब हो जाए मैं लाइक और डिसलाइक का मोहताज नहीं हूँ मैं बताना चाहता हूँ ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा टीचर चाहिए जो पढ़ाई कम और टाइम पास ज़्यादा करे फनी आपको बातें बताए जोक्स सुनाए लव स्टोरी सुनाए हुक्का ब्रेकअप की कहानी सुनाए बीच बीच में गाना गाए हो सके तो डांस भी करे गिटार बजाए ऐसे लोग आपको चाहिए होंगे लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि उसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं अगर आप बोर होते हो फिडअप हो जाते हो तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर दो और ऐसा कोई इंटरटेनमेंट चैनल आप खोल लो यूट्यूब पर और आप इंजॉय करना शुरू कर दो और एक ये ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर सब कुछ करे वो गाना भी गाए डांस भी करे आपको इंटरटेन भी करे नौटंकी भी करे लव स्टोरी सुनाए वो कब ब्रेकअप की कहानी सुनाए ये कोई ज़रूरी नहीं मैं आपके फादर की एज का हूँ हो सकता है कुछ बच्चों के फादर से भी बड़ा हो तीस साल से पढ़ा रहा हूँ इमेजिन करो एट्टी नाइन बी टेक हूँ नाइनटी वन पास एम टेक हूँ मैं कितना सीनियर हो सकता हूँ जितने इंजीनियर से इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं उनका मैं परदादा हूँ सीनियर मोस्ट हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये किताबें लिख रहा हूँ जो सामने आप देख रहे हो ये मेरी बुक है ये ओरिजिनल है और ये जितने मैं मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस तरह का क्लियर मेथड और क्लियर एक्सप्लानीशन आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेगा मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप इंटेलिजेंट और जीनियस हो तो मेरे जो कंटेंट हैं और ये सब जो लाइन्स हैं और मेरा जो मेथड है आप इसको ज़रूर पसंद करोगे ये सब चीज़ें अदर बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी इस तरीके से नहीं मिलेगा इतना साफ सुथरा नहीं मिलेगा ये मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप इंटेलिजेंट और जीनियस कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी तो मैं क्या है इंटरटेनमेंट चैनल नहीं खोला हूँ वैसे मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो ट्रेवल वीडियो ब्लॉग है उस पर ऑल ओवर इंडिया के कुछ वीडियो हैं जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ कुछ फॉरेन कंट्रीज में घूम चुका हूँ वहाँ के भी कुछ वीडियोस हैं ट्रेवल वीडियो, है। वीडियो ब्लॉग को आप एंजॉय कर सकते हो मेरे अपने खुद के वीडियोस हैं आने तो आपकी मर्जी यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरटेनमेंट चैनल हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ इवन टीचर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसे बहुत लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं जो या तो आठ प्रजेंट टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो उनके काम को मैं आसान कर रहा हूँ उनको बहुत अच्छा लगेगा तो मैं तो इस वीडियो में अपनी बुक को प्रमोट कर रहा हूँ इतना समझ लो इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ कि रिविज़न के लिए एक बुक परचेज करो अपने टेबल पे रखो और अगर तुम अफोर्ड कर सको तो परचेज करो नहीं तो मत करो कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करके नोट्स बनाने से अच्छा है का वीडियो को लगातार देखो और नोट्स बनाने के बजाय ये जो मेरी सीरीज़ है इसका प्रिंट बुक परचेज कर लो और प्रिंट बुक इसका परचेज करके टेबल पर रखो उसी से डायरेक्ट रिविजन करो तो प्यारे बच्चों मैं इसलिए अपनी बुक्स को प्रमोट कर रहा हूँ और ये जो वॉल्यूम टू है जिसमें डेरिवेशन इतने दे रखे हैं ये बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है मैं राइटअप डेली प्रिपेयर कर रहा हूँ फिलहाल वॉल्यूम वन में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ मैं आपको इंटरमिट भी कर चुका हूँ तो ही मुझे कहना था कि मेरा चैनल इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है तुम पहले लाइक करते हो फिर लाइक हटा लेते हो पता नहीं पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो रूम में क्या करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं एक नोबल वर्क कर रहा हूँ और मैं अपना वर्क करता रहूँगा तो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपने एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके बाद के डेरिवेशंस पढ़ाऊंगा। जैसे अभी डाइपोल में बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हैं अभी तो डेरिवेशन बोर्ड लेवल का ही पढ़े हो अभी तो आई टी लेवल के डेरिवेशंस हैं इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू करूँगा और बहुत अच्छे अच्छे बिग डिवेश भी कराने वाला हूँ तो आप मेरे साथ बने रहो डेरिवेशन सीखते रहो और जब डेरिवेशन पे पकड़ बनेगी तो फिजिक्स में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा सो प्यारे बच्चों इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस और प्यार के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट सी यू अगेन